हाय फ्रेंड्स, अगर आपके घर में एसी है और लाइट बिल आपका ज्यादा आ रहा है, या तो फिर आप एसी परचेज करने का सोच रहे हो लेकिन परचेज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको डर है कि कहीं लाइट बिल ज्यादा ना आ जाए, या तो फिर आपने नया नया एसी खरीदा हुआ है और लाइट बिल आपका एकदम से बढ़ गया है, तो आपके ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। क्योंकि आपको मैं यहाँ पे कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो फ्री है, लीगल है और इजी भी है, तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। एयर कंडीशनर का जो इंडोर यूनिट है उसमें एयर फिल्टर रहता है, उसको रेगुलरली साफ किया कीजिए। रेगुलरली मींस 15 दिन में एक बार या फिर 10 दिन में एक बार या फिर वीक में एक बार भी आप साफ कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इससे क्या होता है कि वहां पर डस्ट नहीं रखती है और आपका जो एयर कंडीशनर है वो आपका रूम जल्दी से कूल कर सकता है। अगर वहां पर डस्ट रहेगी तो आपके एयर कंडीशनर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपके कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा और आपका लाइट बिल बढ़ेगा। फ्रेंड्स, एयर फिल्टर की तरह आपका जो आउटर यूनिट है उसमें कंडेंसर रहता है, उसको भी आप 15 दिन या फिर महीने में एक बार क्लीन कर सकते हो। उसका रीजन यह है कि वहां पे हीट ट्रांसफर रेट बहुत बढ़ जाएगा अगर आप उसको रेगुलरली क्लीन करते हो तो, क्योंकि क्लीन नहीं रहेगा तो आपका हीट ट्रांसफर रेट बहुत कम होगा, आपके कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा और आपका लाइट बिल इंक्रीज होगा। आप एंश्योर कीजिए कि आपका जो आउटडोर यूनिट है वो पूरी तरह से वैकेंट हो, मीन्स उसके आसपास कुछ चीज ना रखी जाए या फिर उस पर कुछ रखा ना जाए या तो फिर उसको कवर ना किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो रूम का अंदर का हीट है वो आउटडोर यूनिट खींच लेता है और बाहर एटमोस्फियर में छोड़ देता है, तो अगर आपके आजू बाजू में आउटडोर यूनिट के आजू बाजू में कुछ भी रहेगा तो वो इतना हीट ट्रांसफर ठीक से नहीं हो पाएगा, आपके कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा और आपका लाइट बिल इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स, आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो भी एक एयर कंडीशनर ही है। एयर कंडीशनर आपके रूम को कूल करता है और रेफ्रिजरेटर आपके चीजों को। इस तरह से एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर का डिफरेंस ये है कि एयर कंडीशनर में आउटडोर यूनिट रूम के बाहर रखा जाता है लेकिन रेफ्रिजरेटर में उसके साथ ही रहता है। तो आप सोचिए कि रेफ्रिजरेटर से कितनी हीट बाहर आती होगी। अगर वो आप रेफ्रिजरेटर को एयर कंडीशनर वाले रूम में रखोगे तो एयर कंडीशनर को पहले तो उसको ही कूल करना पड़ेगा, तो आपके कंप्रेसर को बहुत ही लोड पड़ेगा और ज्यादा काम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आप एयर कंडीशनर रूम में प्रिंटर ये सब चीजें रखना टालिए, क्योंकि इससे क्या होता है हीट जनरेट होती है और वो हीट कूल करने के लिए, बेवजह की हीट को कूल करने के लिए आपके एसी को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो एसी के रूम में आप एंश्योर कीजिए कि कोई भी हीटिंग एलिमेंट या फिर हीट जनरेट करने वाली कोई भी चीज आपके रूम में ना हो। हम में से बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि एसी जब ऑन करते हो तब फैन ऑन रखना चाहिए कि नहीं। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। ना किस लिए कि दिन में अगर आप एसी ऑन करते हो और फैन ऑन करते हो तो जो आपकी रूम में जो हॉट एयर रहती है वो रूम के एग्जैक्ट नीचे जो हॉट एयर रहती है वो अगर आप फैन ऑन करते हो तो आपके रूम में सर्कुलेट हो जाएगी और आपके एसी को आपका रूम कूल करने में परेशानी होगी, तो कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। स्पेशली जब आप टॉप फ्लोर पर रहते हो तो अवॉइड कीजिए दिन में फैन को ऑन करना, या तो फिर आप नाइट में उसको ऑन कर सकते हो क्योंकि नाइट में ऑटोमेटिकली वहां पे जो ओल्ड एयर रहती है वो नीचे आती है और आपके रूम में जो सर्कुलेशन है उसको बढ़ाने में आपके एसी को मदद करती है। तो आपको दिन में फैन को ऑफ रखना चाहिए, स्पेशली जब आप टॉप फ्लोर पे रहते हो, और नाइट में फैन को ऑन रखना चाहिए। जब आपका एसी ऑन होता है, जब आपका एसी चल रहा होता है, तो आपके विंडो या फिर डोर को अच्छी तरह से क्लोज कीजिए, उसमें जो अगर गैप है तो उसको कम करने का भी ट्राई कीजिए, या तो फिर आप एक काम कर सकते हो विंडो या फिर डोर के आगे एक कर्टेन या फिर नेट लगा सकते हो। क्या होता है कि अगर छोटी छोटी गैप में से भी हवा आती जाती रहेगी तो आपके एसी को उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन कर्टेन रहेगा तो वो एयर का जो ट्रांसफर रेट है वो कम हो जाएगा और आपके एसी को कम काम करना पड़ेगा। या तो फिर आपके रूम में चेक कीजिए कि अनयूज स्पेस कहाँ पे, अनयूज स्पेस मीन बाथरूम है या तो फिर स्टोर रूम है या तो फिर कपबोर्ड के डोर्स है या तो फिर ड्रॉवर्स है, उसको चेक कीजिए। अगर वो ओपन है तो उसको क्लोज कर दीजिए। ओपन होगा तो क्या होगा कि आपके एसी को उतने एरिया को कूल करना पड़ेगा, बिना बात का उसको उतना कूल करना पड़ेगा और वहाँ पे कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। या तो फिर आप चेक कीजिए कि अपने रूम में कोई सन फेसिंग विंडो है, अगर है तो उसको पर्दे से या फिर कर्टेन से अवश्य ही जरूरी उसको कवर कीजिए, क्योंकि वो वहां से जो बाहर की हीट है वो डायरेक्ट सन फेसिंग विंडो के थ्रू आपके रूम में आएगी, लेकिन कर्टन रहेगा तो वो प्रिवेंट हो जाएगी। हम में से बहुत सारे लोगों को ये आदत रहती है कि जब एसी ऑन करते हैं तो डायरेक्टली उसको लोअर टेम्परेचर पे सेट करते हैं, मीन्स 20 या फिर 18 पे सेट कर देते हैं, क्योंकि रूम उसको जल्दी से कूल करना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें क्या होता है कि आपके जो कंप्रेसर है उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, एकदम से वो हाई स्पीड पर चलेगा और एकदम से वो हाई एनर्जी भी कंज्यूम करेगा। इससे अच्छा है कि आप अपने टेम्परेचर को 22 या फिर 27 डिग्री के बीच में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कीजिए। अब जब आप एसी स्टार्ट करते हो तो 22 से लेकर 27 के बीच में कोई भी टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका रूम धीरे धीरे ग्रेजुअली कूल होगा और आपके एसी को ग्रेजुअली काम करना पड़ेगा, मीन्स आपके कंप्रेसर पे लोड भी नहीं पड़ेगा।
आपकी एसी के रिमोट में चेक कीजिए, आपको स्लीप मोड या फिर पावर सेविंग या फिर एनर्जी सेविंग मोड मिल जाएगा, उसको ऑन कर दीजिए। उससे क्या होता है कि आपका जो कंप्रेसर वो रेगुलर स्पीड पर चलता रहेगा आपके रूम के टेम्परेचर को डिस्टर्ब किए बिना, तो आपका एनर्जी कंजप्शन कम होगा। या तो फिर अगर आप ऑटोमेटिकली एसी को बंद करना चाहते हो कुछ टाइम के बाद आपको जरूरत नहीं है तो एसी बिना बात का नहीं चलाना चाहते हो, तो आप टाइमर मोड का भी यूज कर सकते हो। सारे एसी के रिमोट में टाइमर मोड दिया गया रहता है। आपका एसी का इंडोर यूनिट का जो फैन है उसको मैक्सिमम लेवल पर सेट कीजिए। क्या होता है इससे, मैक्सिमम लेवल से क्या होता है कि जो आपका रूम का सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, आपका जो डिजायर टेम्परेचर उसको मेंटेन करने में या फिर उसको अचीव करने में आपको एसी को हेल्प मिलती है। तो आपका जो एसी का फैन है उसको मैक्सिमम लेवल पे सेट कर दीजिए। एसी को बार बार ऑन या ऑफ मत कीजिए। कई लोग क्या रहता है कि डिजायर टेम्परेचर मेंटेन होता है तो वो उसको बंद कर देते हैं, बाद में उस पर गर्मी लगती है अगर थोड़ी भी तो वो चालू कर देते हैं। तो क्या होता है कि जब आप रिस्टार्ट करते हो एसी फिर से तो आपका कंप्रेसर जो है एसी का वो फुल स्पीड पर चलता है, तो आपका एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाता है। जितनी भी बार आप उसको रिस्टार्ट करोगे ऑफ करके उतनी बार आपका एसी का कंप्रेसर फुल स्पीड पर इनिशियल चालू हो जाएगा, तो आपका एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप अपने कंप्रेसर को चलने दीजिए, एसी को चलने दीजिए, बार बार उसको ऑन या फिर ऑफ मत कीजिए। दोस्तों हम सबको ये आदत रहती है कि एसी को रिमोट से ही ऑपरेट करते हैं, रिमोट से ही ऑन या फिर ऑफ भी करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर रिमोट से आपने ऑन कर दिया एसी या फिर ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद अगर आपने मेन स्विच ऑफ नहीं किया एसी का, क्योंकि मेन स्विच आपको कंटिन्यूसली ऑन रखते हो, अगर मेन स्विच ऑफ नहीं किया एसी का तो वहाँ पे पावर कंजप्शन है वो बढ़ेगा। किस तरह से, जो आपका मेन पावर यूनिट है वहाँ से आपकी एसी में स्टैंड बाय फॉर्म में करंट जाता रहेगा, तो आपको पावर सेविंग नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे पावर कंजप्शन होता रहेगा और आपका लाइट बिल इंक्रीज होगा। तो क्या कीजिए, रिमोट से एसी को ऑफ कीजिए और बाद में मेन स्विच को भी ऑफ कीजिए। जब आपको ऑन करना है तो फिर से मेन स्विच को ऑन कीजिए और रिमोट से एसी को ऑन कीजिए। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, ये सारे टिप फ्री है, इजी और लीगल भी है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे टिप्स या फिर इनमें कुछ टिप को इम्प्लीमेंट करोगे और एनर्जी सेविंग कर पाओगे। अगर आप एसी परचेज करना चाहते हो तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के फॉर्म में अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड के बहुत अच्छे एनर्जी सेविंग एसी लिंक के फॉर्म में रखे हैं, वहाँ पे लिंक पे आप क्लिक करके वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।